अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सैम। आज हम बनाने वाले हैं गुड़ और चावल की खीर। कोई ओकेशन हो तो हमें सबसे पहले मीठा याद आता है, लेकिन काफ़ी डेजर्ट आइटम ऐसे होते हैं जो उसके लिए हमें ये लाना है, वो लाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे आसान होती है चावल गुड़ की खीर, क्योंकि हमें हमारे घर में दूध और चावल इजीली अवेलेबल होता है। अब हम इसे आसान तरीके से बनाएंगे, 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी होती है। आगे हम डिटेल से बताते हुए बनाएंगे। ये आसानी से बैचलर्स और बिगिनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। गुड़ और चावल की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 1 मुट्ठी चावल, गुड़ 100 ग्राम, 2 इलायची, बादाम, काजू, अखरोट। चावल को मैं पहले से ही भिगा के रख ली हूँ आधा घंटा पहले। आप भी चावल की खीर बनाने से पहले आधा घंटा पहले भिगा लीजिए, ताकि हमारा चावल अच्छे से फूल जाएगा। अगर आप जल्दी में खीर बना रहे तो इसे कुनकुने पानी से भिगा लीजिए, जल्दी भीग जाएगा। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा घी डालेंगे। घी डालकर हम इसे ग्रीस कर लिए हैं, क्योंकि हमारा दूध नीचे दाग नहीं लगता। अब हम इसमें दूध ऐड कर लेंगे। हमें घर का नॉर्मल दूध ही लिया है, क्योंकि पैन में हम 1 लीटर दूध डाल लिए हैं। अब हम इसे एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। दूध एक उबाल आए तक हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 ग्लास वाटर ऐड कर मेल्ट कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा दूध उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर लेंगे। हमारा दूध उबल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। अब हम इसे डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी पकना है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि दरदरा पीस लेंगे। मिक्सर जार में चावल को ऐड कर अब हम इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं हम चावल को दरदरा पीस लिए हैं। अब हम ये दूध में ऐड कर देंगे। देखिए, अब हम चावल को ऐड कर देंगे। अब हम इसे पकने देंगे हाई फ्लेम पे। हमारा गुड़ भी घुल चुका है। हमारे चावल पकने के बाद हम इसे ऐड कर लेंगे। हमारा चावल बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें इलायची ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं हमारे चावल गल चुके हैं। अब हम इसमें गुड़ का वाटर ऐड कर लेंगे। देखिए, ये अच्छे से हमारी खीर पक चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम लो फ्लेम पे इसे रखेंगे। हमारी खीर पक चुकी है। अब हम इसमें 1 स्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, हमारी खीर पक चुकी है। देख सकते हैं हमारी खीर दानेदार बन गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। अब हम स्टोव ऑफ कर देंगे।
हमारी गुड़ और चावल की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।